हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सचिवालय में डॉक्टर प्रभात कुमार जी से आज हुई वार्ता का सार। कुछ लोग गए हुए थे आज अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार जी से मिलने, तो उनसे बातचीत के कई सारे निष्कर्ष आए। सारे निष्कर्ष आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसमें से एक खास निष्कर्ष जो निकल के आया है कि उन्होंने कुछ ऐसे निर्देश या आशय जताए हैं कि केवल 41,556 जो 56 पास हुए इन्हीं पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कई सारे उथल फुथल होने की संभावनाएं हैं। क्या होंगी उथल फुथल की संभावनाएं, सारी आइए जानते हैं डिटेल में। और जैसे ही मैंने लिख भी रखा है जनरल वालों की लंका लगना तय, तो हाँ काफ़ी नुकसान हो जाएगा जनरल वालों का भी। और क्या होगा जनरल वालों का नुकसान, पूरा जानते हैं डिटेल में। तो वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि ये लोग गए थे मिलने प्रभात कुमार सर से, तो ये लोग जैसे आशीष कुमार गुप्ता और साथ में इनके सहयोगी बैठे हुए हैं और जो फोटो खींच रहे हैं, ये कई तीन चार लोग गए हुए थे, तीन लोग। इन लोगों ने वहाँ पे जाके क्या क्या वार्ताएं की बताते हैं पूरी डिटेल में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेन जो मेरे हेडिंग में आ रहा है आपको पता ही है कि 41,000 पदों पे वैकेंसी आएगी। तो जो वहाँ पे वार्ता हुई उसको मैं पूरी डिटेल में बताता हूँ। जी हाँ, ये आशीष कुमार गुप्ता के द्वारा ही पोस्ट डाली गई है, क्योंकि ये लोग वहाँ पे गए थे इसलिए उन्होंने डाली है। भर्ती 68,500, नियुक्ति लक्ष्य 5 सितंबर। जैसा कि आज हम ब्रजेश और इनकी टीम, हम का मतलब है आशीष गुप्ता से, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ श्री प्रभात सर से हुई, जिसमें भर्ती समय पर पूर्ण हो और कोर्ट केस की संभावना न हो इसलिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ज्ञापन देने की वार्ता की गई, जो कि निम्नलिखित है। क्या क्या वार्ता है, नंबर एक पे देख सकते हैं। नंबर एक पे लिखा है, सबसे पहले भर्ती का विज्ञापन 18 अगस्त दिन शनिवार को आएगा और नियुक्ति पत्र 5 सितंबर को ही मिलेगा। नंबर दो, फॉर्म दोबारा नहीं भरा जाएगा, मतलब या तो पुरानी साइट खोलकर दो या तीन डिटेल आपसे ली जाएंगी या पुनः तरीके से डिटेल ली जाएंगी। नंबर तीन, स्कैन कॉपी नहीं लगानी है, 1 सितंबर से अपनी काउंसलिंग BSA ऑफिस पर ही होगी। स्कैन कॉपी मतलब इसमें कॉपियां जो लगानी है तो स्कैन कॉपी आपको ओरिजिनल लगानी है। और नंबर चार पे है, जो लोग पहले से अध्यापक पद पर है कार्यरत है उन्हें NOC जारी नहीं की जाएगी, जिससे पद खराब ना हो, ऐसा प्रभात कुमार सर ने कहा है इन लोगों से। नंबर पाँच पे आप देख सकते हैं, टेट आप कोई भी लगा सकते हैं, यदि आपके पास कोई बाद है टेट तो परेशान ना हो, आप सेफ हैं। मतलब आपके पास कोई बाद का टेट है या पहले का टेट है, इसके परेशान ना हो, आप सेफ हैं। और नंबर छः पे, 75 जिलों का विकल्प होगा, प्रदेश स्तर पर मेरिट बनेगी, जिससे आप 10 से भरे या 5 बाकी आप अपने BT इस तरीके मान हो जाएगा। चाहे आप 10 जिले भरे चाहे 5 बाकी जिले, अपने आप मान लेंगे कि कोई भी जिला। और नंबर 7 पे आप सबसे मेन चीज़ जो कहने वाली है, नंबर 7 पे लिखी हुई है, सबसे बड़ी बात जो एक जो कि जितने लोग पास हैं 41,556 उन्हीं पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की बात कही, लेकिन अभी इस पर पुनः कल और संजय सिन्हा और सर्वेश विक्रम सर से बात करके सूचित किया जाएगा, ऐसा तुम्हारे आशीष गुप्ता का कहना है। तो मेन यही 7 पॉइंट थे मेन। जो 7वां पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर 41,556 पर ही विज्ञप्ति केवल आती है तो लेने के देने पड़ जाएंगे सभी जनरल वालों को और अन्य लोगों को भी। इसलिए अगर 41,556 सीटों पे ही जाने होगी तो इसके हिसाब से लगभग 50% सीटों पे बंटवारा हो जाएगा, और फिर आधे जो आपके चले जाएंगे आदर्श अन्य सीटों में, और जो जनरलों के लिए सीट हो जाएंगी कम, तो इस परसेंटेज खुद ही आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो सीटें कम हो जाने पे जो कट ऑफ जाएगा जनरल का, वो हाई चला जाएगा अगर ऐसा हो गया खुदा ना खास्ता, जैसा कि बात से पता चल रहा है सभी की। अगर ऐसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सभी लोग देख लें, जान लें, समझ लें। आइए बात ऑथेंटिक
हो जाएगी अगर विज्ञप्ति में ऐसा हुआ। फिलहाल अभी ऑथेंटिक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ये किसी व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है, कोई अधिकारी की तरफ से आपको डायरेक्ट नहीं पता चला है। अधिकारी ये आशीष गुप्ता को बताया गया, उन्होंने मीडिया को मतलब सोशल मीडिया में प्रचार किया। अब इसका सबूत यही है और कितनी ऑथेंटिक है ये आगे पता चल जाएगा आप लोगों को। जैसे कि इन्होंने बताया संजय सिन्हा और विक्रम सर से बात सूचित किया जाएगा, तब ये लोग जाएंगे अपना बात करेंगे, इसके बाद क्या होता है आप लोगों को बताऊंगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आगे जो भी प्रोसेस होगा जल्दी बताएंगे। और बाकी 1, 2, 3, 4, 5 सभी आपने देख ही लिए। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक नंबर में आपको पता ही है कि कब आएगा विज्ञापन और दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा कोई गलत, कोई अगर छूट जाता है तो उसके लिए। और नंबर 3 पे जो स्कैन कॉपी नहीं लगानी है, उसका कहने का मतलब यही है कि इसमें फॉर्म भरते समय आपकी अगर स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी तो उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी लगानी है। नंबर 4 पे NOC नहीं जारी की जाएगी, जो लोग पहले 12,000 में या किसी अन्य पद पर पहले सिलेक्टेड है, पहले से ही अन्य पद में मतलब जो सेम पद पे हैं और अन्य किसी भर्ती में सिलेक्टेड हैं तो वो NOC नहीं जारी होगी जिससे पद ना ख़राब हो। ऐसा होगा तो क्या होगा, इस कोर्ट में वैसे काफ़ी मामले हो चुके हैं NOC जारी हो जाती है। एक मोहम्मद अरशद की पोस्ट आई थी उसमें ऐसा कहा भी गया था, अदरवाइज देखते हैं क्या होगा उसमें आगे की बातें हैं फिलहाल। और टेट में जैसे आप कोई भी टेट लगाएं आप सेफ हैं जिसमें आप पास हैं, और ज़िले भर भरने वाली बात है तो आप कोई भी जो शुरुआत के ज़िले भरें तो अच्छे से भर दें, और बाकी अन्य कोई भी ज़िले भरें वो किसी में भी जहाँ आपकी मेरिट फाइट करेगी वहाँ हो जाएगा। बाकी नंबर 7 ही पॉइंट सबसे ज़्यादा था, तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें, धैर्य ना खोएं, सब आपके सच सामने आ जाएगा। जी हाँ, तो आपने देख लिया, समझ लिया पूरे 7 पॉइंट वगैरह जो भी, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अब आगे क्या करना है, क्या होना है। करना से कुछ नहीं मतलब, अभी तो वेट ही कर लीजिए, और होना क्या है ये तो समझ में आ ही रहा है। अगर इस केस इन एनी केस ही कुछ भी इस तरह का विज्ञप्ति आती 41,500 की तो लंका लगना वाकई में तय है। तो चलिए वेट कर लेते हैं क्या होगा फिलहाल। तो गुरु जी क्लासेस देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी मेरे वीडियो होंगे आप लोगों को पहुंच जाएं। धन्यवाद।